राष्ट्रीय गाड़िया लोहार महासभा अध्यक्ष 6 अप्रैल 1955 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने और माणिकलाल वर्मा साहब ने हमारी कठोर तपस्या महाराणा प्रताप के साथ में थी उसको उन्होंने पूर्ण करवाया 5 प्रतिज्ञाओं को। और हमें उस टाइम में किले पे पूरे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी थे, वहाँ पर पूरे देश के लिए स्वर्गीय विकास गाड़ी लोहारों के लिए है जो आह्वान किया गया और पूरे राष्ट्र के अंदर ये 10 पैकेज के आदेश पारित हुए गए। उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी अनपढ़ समाज होने के कारण और 500 वर्षों में ट्राइबल होने के कारण जो लाभ हमें लेने चाहिए थे सरकार से वो नहीं ले पाए, और धीरे धीरे हमारे बच्चे पढ़ने लगे और कॉलोनियाँ भी बसने लगी। आज अजमेर में सबसे बड़ी दुखांत की बात है, आज 25,000 का पॉपुलेशन हमारा अजमेर में निवास कर रहा है। आपको मालूम है कि मैंने 8/8/2018 को मैंने श्रीमान कलेक्टर साहब को निवेदन किया था, साहब इनको हटाया जा रहा है, इनको तत्काल आवास हेतु जमीन दे दी जावे और इनके वर्किंग सेट बनाए दिया जाए जो रोजगार धंधे पे और इनके आवास पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन कागजों की अनदेखी की गई सरकार द्वारा। मैं इस कारण से आया हूँ कि सब्जी मंडी रोड ब्यावर पे पहले पूर्व में 8/8/2018 को इनको डिस्टर्ब किया जा रहा था, वहाँ पे हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया तो वो अतिक्रमण रोक दिया गया। लेकिन कल हमारे पास में और अतिक्रमण वाले आ गए थे हटाने के लिए। सरकार से हमारी गुजारिश है पहले हमें बसाया जाए, हमारे रोजगार धंधे के लिए वर्किंग सेट बना दिया जाए, उसके बाद में अगर सरकार उठाई जाएगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ शासन और प्रशासन को कि इन गरीबों की हालत देखते हुए और प्रधानमंत्री जी के आदेश पूर्व में 1955 में थे उनको फॉलो करते हुए इनको तत्काल इनको राहत दी जावे। आपका नाम, आपका परिचय? कालूराम चौहान, फौजी बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गाड़िया लोहार समाज।